हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीएच और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आयनिक इक्विलिब्रियम। एज यू नो, पीएच का फुल फॉर्म होता है द पोटेंस ऑफ द या पावर ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच के बारे में जानते हैं और कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं और इसकी हमारी डेली लाइफ में इंडस्ट्री से जुड़ी क्या एप्लीकेशंस हैं। मैं पीएच को डिफाइन कर सकती हूँ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के ऊपर ही पीएच की वैल्यू निकाली जाती है, विच इज इक्वल टू द माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ एच आयन कंसनट्रेशन। एक्टिविटी का यहाँ मतलब यह है कि एच आयन्स कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाटर के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनके नंबर ऑफ एच आयन्स कितने हैं जो एक्टिवली निकल के आए हैं एक्वा सॉल्यूशन में। और हमने फिर पीएच का फॉर्मूला बना दिया माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ एच आयन कंसनट्रेशन, या फिर हम उसे ये भी लिख सकते हैं द माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। एंड कंसंट्रेशन हम मोलारिटी की टर्म में निकालेंगे, विच इज कैलकुलेटेड इन द मोल्स पर लीटर। तो ये है हमारा पीएच का फॉर्मूला जिससे हम पीएच वैल्यूज जो है किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्योर वाटर की जो पीएच है वो 7 होती है। कैसे आई इसकी पीएच वैल्यू 7? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर रहती है। जब हमने इस फॉर्मूले में एच आयन की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम द 7 वैल्यू। तो जो प्योर वाटर है, टैप वाटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सी वाटर रिवर वाटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल प्योर वाटर की बात कर रही हूँ जिसके अंदर कोई भी आयन कोई भी मिनरल कुछ भी ना हो। तो उसके अंदर OH आयन और H आयन की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होती है, जो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि H आयन की, क्योंकि हम pH के लिए यूज कर रहे हैं, तो H आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ रहती है। अब कुछ और एग्जाम्पल भी लेके बात करते हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी नो वेरी वेल कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन रहता है इसका। सपोज मैंने इसकी ऐसे मोलैरिटी ली कि जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁴ मोलर आ रही है, दैट मीन्स इसकी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विल बी देयर 10⁻⁰ मोल्स पर लीटर। और हम जब पीएच निकालेंगे तो इसकी पीएच NaOH के इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 10 आएगी। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ HCl विच इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसकी मोलर कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन का जो मोलर कंसनट्रेशन है वो 10⁻²  है मोल पर लीटर, देन इसकी पीएच जो कैलकुलेट होगी दैट विल बी 2। अब ये तो समझ आ रहा है कि एसिड की वैल्यू जो है पीएच की वैल्यू जो है वो कम आती है और जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं उनकी पीएच वैल्यू 10 से 7 से ज़्यादा आती है। जो 7 वैल्यू है प्योर वाटर की वो एक न्यूट्रल पॉइंट है, उससे ज़्यादा वैल्यूज होंगी पीएच की देन वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और यदि 7 से कम वैल्यूज होंगी पीएच की देन दैट विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। बट हम इससे पीएच वैल्यू कंसंट्रेशन से पीएच वैल्यू निकालते कैसे हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ HCl का ही, कि इसकी एच आयन कंसंट्रेशन है 10⁻²  मोल्स पर लीटर। हमने फॉर्मूले में प्लेस की वैल्यू एंड -2 जो वैल्यू है लॉग में वो पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस हो जाएंगी प्लस एंड 2 वैल्यू हो गई एंड लॉग बेस 10 आ गया। लॉग बेस 10 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने लॉग बेस 10 की वैल्यू रख दी 1, देन पीएच वैल्यू आ गई हमारे HCl सॉल्यूशन की 2 के बराबर। तो इस तरह से हम पीएच वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन की टर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब हम यदि आयनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का निकालें KW, KW का मतलब है वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट।
एज वी नो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन्स, क्योंकि वाटर में दोनों ही आयन्स होते हैं, एच आयन्स भी होते हैं और ओ एच आयन्स भी होते हैं। इन दोनों की वैल्यू मिलाकर के डब्ल्यू की वैल्यू जो आती है वो 10^-14 आती है। अब 10^-14 की वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया? ये -14 वैल्यू हाइड्रोनियम की भी है और ओ एच आयन दोनों की है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड से माइनस लॉग वैल्यू दोनों साइड ले ली, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू आ गया, और राइट साइड पर क्योंकि दोनों वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है तो उनको हमने सेपरेट करके प्लस वैल्यू में रखा, लेकिन क्योंकि माइनस लॉग है तो प्लस वैल्यू भी माइनस में चेंज हो जाएगी, तो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग ओ एच आयन दोनों की वैल्यू मिलाकर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 10^-14। तो हमने वो वैल्यू रख दी कंसंट्रेशन की। -14 वैल्यू को हमने फिर वैसे सिंप्लीफाई किया, तो 14 पीएच आ जाएगी। इसकी पूरे सॉल्यूशन का जो के डब्ल्यू है, पी के डब्ल्यू, वो कितना आ जाएगा, दोनों का मिलाकर आ जाएगा 14 के बराबर। तो वाटर का जो पी के डब्ल्यू वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू 14, जो किसके बराबर, जो किसकी वैल्यू दे रहा है, वो पीएच की वैल्यू दे रहा है वाटर के, प्लस पीओएच वैल्यू दे रहा है वाटर की, इन दोनों के सम की वैल्यू आ रही है हमारे पास 14। इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकली बहुत काम आएगा आगे। तो दोनों की पीएच वैल्यू, पीएच एंड पीओएच वैल्यू वाटर के लिए मिलाकर कितनी आई, दैट विल बी इक्वल टू 14। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला मेरे लिए, कि के डब्ल्यू जो है वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जैसे टेम्परेचर वैरी करेगा के डब्ल्यू भी वैरी करता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्योंकि इनवर्स में वैल्यू चेंज करेगी, पीएच वैल्यू को, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इनवर्स में वैरी करेगी, और वो वैल्यू इतनी कम होती है, इतनी छोटी होती है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको यदि पी के डब्ल्यू वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, बट हम इसको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं इसमें लगाते, क्योंकि टेम्परेचर से जो वेरिएशंस आएंगे वो इतने कम आते हैं, इतने स्लो आते हैं, इतने छोटे आते हैं कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपका इससे रिलेटेड, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये टर्म, ये ध्यान रखिएगा। अब हम पीएच वैल्यू को, हम जो हम ये पीएच वैल्यूज देख रहे हैं कि कैलकुलेशंस की हमने, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको दिशा मैम कराएंगी इसके, तो पीएच वैल्यू का मेजरमेंट हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो आपको लैब में, लैब का एक्टिविटी में दिखाऊंगी आपको पीएच की, कि कैसे पीएच वैल्यू को मेजर किया जाता है। इसके लिए मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं जिनसे मैं लैब में पीएच वैल्यू को चेक कर सकती हूँ। एक तो है, जो आपने नोटिस भी देखा भी होगा, पीएच पेपर होता है जिसकी एक्यूरेसी 0.5 होती है, 0.5 का वेरिएशन रहेगा इसके आंसर में, तो हम पीएच पेपर की हेल्प से जो है वो पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के वेरिएशन में हमें पता चल जाता है कि उसकी पीएच रेंज सॉल्यूशन की कितनी है। पहले पीएच पेपर जो है वो एक ही कलर के आते थे, या तो पूरा येलो आता था, या ऑरेंज, या पूरा ब्लू कलर, एक ही कलर का पेपर आता था, लेकिन आजकल पीएच पेपर भी ऐसे आने लगे कि एक ही स्ट्रिप के ऊपर 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं, और आप उनसे उनके पीएच वैल्यू के कलर्स को चेक कर सकते हो, उन पर अलग अलग, एक ही ड्रॉप को अलग अलग रेंज में डाल के आप उनको एक साथ चेक कर सकते हो। तो पीएच पेपर में भी वैरायटी है काफ़ी इसकी आ गई है। अब हमें फिर भी इसमें वेरिएशन मिल रहा है 0.5 का, तो मैं आंख बंद करके ये नहीं कह सकती कि हाँ पीएच पेपर से जो मैं आंसर निकाल रही हूँ वो बहुत एक्यूरेट है, नहीं, वो अप्रॉक्सीमेट के करीब, अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है मुझे, तो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी का मेरे पास है पीएच मीटर। पीएच मीटर की हेल्प से हम जो है क्या करते हैं, एक्यूरेसी 0.001
वैल्यू तक देती है ये, तो तीसरी डिजिट तक मुझे एक्यूरेसी मिल जाती है इसमें। तो पीएच मीटर ज़्यादा एक्यूरेट ऑपरेटर्स है जिससे आप जो है सॉल्यूशन की एक्यूरेटली पीएच टेस्ट कर सकते हो। ये जो टेक्निक है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर डिपेंड करती है टेक्निक ये वाली। ये अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका पीएच मीटर का। दिस इज द पीएच मीटर, जिस ये स्केल यहाँ पर हमें दिखाई देता रहता है, और यहाँ हम इसका इलेक्ट्रोड जो होता है वो हम सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं जिस सॉल्यूशन की पीएच हमें जज करनी है, एंड यहाँ पर हमें उसकी पीएच वैल्यू दिखाई दे जाती है। वेरी सिंपल, जैसे आप अमीटर वोल्ट मीटर वगैरह लेते हो तो उसके स्केल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा पीएच वैल्यू का। तो बहुत इजी है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, तो इट गिव्स 0.001 एक्यूरेसी वैल्यू। तीसरा, मैं जो रफली और ज़्यादा रफली मैं यूज़ कर सकती हूँ पीएच पेपर से भी पहले, सिर्फ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है जो मुझे काफ़ी रेंज, बस इसकी ये है कि रेंज बहुत अच्छी है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। इसमें बहुत सारी डाइस को मिक्स करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया है, और जो काफ़ी बड़ी रेंज तक पीएच की जो है काम करता है। इससे ज़्यादा अच्छा मुझे बस क्लियरली ये पता चल जाता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो पीएच है वो इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं आती है। तो एसिड बेस आपको आइडेंटिफाई करना है तो नन अदर देन यूनिवर्सल इंडिकेटर या ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस है आपके पास। थोड़ा सा रेंज अच्छी करनी है देन आप पीएच पेपर यूज़ करिए, और बहुत अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए आपको तो पीएच मीटर क्या ही एप्लीकेशन है जिससे हम एक्यूरेट पीएच वैल्यू निकालते हैं। तो वंस अगेन आई एम शोइंग यू द पीएच मीटर। अब आप यहाँ देखिए, बहुत सारे सॉल्यूशन की मैंने पीएच वैल्यूज़ की टेबल दी है, इसे आप देख सकते हो कि कौन से सॉल्यूशन की जो पीएच है वो किस रेंज में जाती है, और उसका कलर ब्लू लिटमस फिनोक्लीन या इंडिकेटर्स के साथ उनका क्या आता है। तो ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा इसे स्टडी करना आपके लिए। देन यदि मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, आप कहेंगे पीएच वैल्यू तो बता दी लेकिन पीएच को हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो बेटा पीएच तो पूरी इंडस्ट्री में पीएच का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इवन यदि आप घर पर भी आज के टाइम फेस वॉश या सो में से कंपेयर करना चाहते हो कि विच वन इज़ बेटर फॉर योर स्किन, तो भी आप पहले उसका पीएच बैलेंस देखोगे। ऐसे ही हम स्टमक की एसिडिटी के लिए आप इनो वगैरह लेते हैं हम, तो बहुत सारा बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है वो पीएच पर टिका हुआ है, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एवरेज पीएच वैल्यू पर चलता है, और हार्मोन्स और एंजाइम बहुत अच्छे एक्टिवेट रहते हैं पीएच वैल्यू यदि सही रहे तो। यदि पीएच वैल्यू डिसबैलेंस हो जाती है स्टमक की तो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो यदि मैं बायोलॉजिकल पार्ट से बात करूँ तो इट इज़ मोर बहुत इम्पॉर्टेंट है पीएच का जानना, एप्लीकेशन बहुत है। एग्रीकल्चर में यदि आप चले जाओ, फर्टिलाइजर मेरे को कौन सा यूज़ करना है, किस सॉइल में, किस टाइप की सॉइल है, प्लांट्स को कैसी सॉइल चाहिए, कुछ प्लांट्स आपके एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं, कुछ बेसिक मीडियम के हैं, तो उनकी कल्टीवेशन मुझे कितनी कैसी रखनी है, कितनी अच्छी हो सकती है, उसके लिए हमें पीएच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आजकल बहुत किया जा रहा है गांव में, शहरों में भी बहुत बड़ी बड़ी जगह पर छत पर बना दिए जाते हैं, वेस्ट वाटर को इकट्ठा किया जाता है एंड देन फिर उसको किसी ना किसी काम में लाया जाता है। तो बिफोर एप्लीकेशन की उसको कहीं अप्लाई किया जाए उस पानी को, उसका पीएच वगैरह भी चेक किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में तो पीएच का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, इंडस्ट्री में तो आप हर जगह जहाँ भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी बन रही होगी उसका पीएच बैलेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यदि आप देखोगे तो कोई भी ऐसे कॉस्मेटिक को अपनाना नहीं चाहेगा जो स्किन को हार्श करे, जो स्किन हमारी स्किन डेलिकेट होती है, और उसमें यदि कोई हम बहुत ज़्यादा बेसिक या बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ लगा लेंगे तो वो हमारी स्किन को ख़राब करेगा।
तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पीएच बैलेंस का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हेल्थ केयर क्लिनिकल एप्लीकेशंस, तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टमक से लेकर हमारा जो पूरा सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारे अंदर का, वो सारा पीएच बैलेंस पर ही तो टिका हुआ है। यदि पीएच बराबर ठीक नहीं होगी हमारे ब्लड की, हमारे स्टमक की, हमारे सिस्टम्स की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और वो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है सिस्टम पूरा। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है पीएच की। तो ऐसे एनवायरनमेंट के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हो पॉल्यूशन कितना हो रहा है सराउंडिंग में, तो बहुत सारे चेक किया जाता है उसमें कि एनवायरनमेंट में कौन से पॉलिटेंट्स गए, पीएच वैल्यू क्या हो गई, पानी में कौन से जा रहे हैं, उन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या डालें कि पीएच जो है वो फिर न्यूट्रल हो जाए, ऑप्टिमम हो जाए। तो इस टाइप से पीएच की तो वही पूरी कोई भी चीज जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं आपको कहूँ कि जहाँ हम पीएच को अप्लाई नहीं करते। एक छोटे से छोटा मिल्कमैन भी जो अपना लेके चलता है मटेरियल लेके चल चल रहा है बेचने के लिए, वो भी पीएच बैलेंस का बहुत ध्यान रखता है कि उसका दूध फट जाएगा, वो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा बैलेंस करके चलता है उसे। आपने पढ़ा होगा 10th लेवल पर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है पीएच। आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको पीएच के बारे में पूरा बताया कि पीएच क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं इसके फॉर्मूले को, एंड वाटर को लेकर और डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए पीएच स्केल जो है वो 7 to 14 बेसिक रहता है और 7 से 0 की तरफ एसिडिक रहता है पीएच स्केल। तो कल के इसमें आप वीडियो में आप दिशा मैम से जानेंगे कि हम पीएच के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं इस पर रिलेटेड, और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के कि स्टार्ट के बारे में, जो एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन का लेके आए हैं, रिवीजन बैच बन रहे हैं एनुअल एग्जाम को लेकर, आपके जरूरतों को, नेसेसिटीज को देखकर कि आपको किस सब्जेक्ट में कैसे प्रॉब्लम है, और बहुत छोटे छोटे बैच बनाए जा रहे हैं और एवरी वीक एक नया बैच जो है वो लॉन्च होता है। तो आप उसे ज्वाइन करिए बैच को, और अपने एनुअल एग्जाम को और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो अनअकैडमी लेके आए हैं वो है, हर संडे जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था एसेंट करके। इसमें 5 लाख तक के प्राइजेस हैं। यहाँ पर देखिए 5 लाख तक के प्राइजेस हैं। 6 to 12 का बच्चा कोई भी ले सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें एनरोल कराइए। हर संडे होगा, 1 घंटे का प्रोग्राम है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें सिलेबस आपका एनसीईआरटी का ही आएगा, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी बात, आप इसे एक रिवीजन टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं कि आप बस पढ़ के गए और आपने टेस्ट दिया, और यदि आप रैंक होल्डर बन जाते हैं उसमें तो आपको आगे के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपको इसमें मिलेंगे। 5 लाख के प्राइजेस तो हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन वगैरह भी फ्री है। और अनअकैडमी एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आया है 6 से 12 क्लास के लिए। अभी तक ये प्रॉब्लम देखी जा रही थी कि पेरेंट्स का कनेक्शन नहीं बन पा रहा था बच्चों के साथ, तो स्टडीज ठीक चल रही है लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है और उसमें क्या कमियां हैं, अभी क्या परसेंटेज अभी क्यों लैक हो रही है। तो यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बच्चों को, और पेरेंट्स को भी साथ में कनेक्ट किया जाएगा। वीकली उनको रिपोर्ट दी जाएगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे, बच्चे आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लाइव डाउट सेशंस दिए जाएंगे। स्टडी आपकी प्लान्ड वे में चलेगी, एंड वीकली एंड मंथली प्लानर आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करिए, एंड देन वीकली उसको जज किया जाएगा, और अटेंडेंस वगैरह भी होगी उसमें रेगुलर। तो जो भी मतलब कमी रहेगी उसमें, कहीं भी कुछ डाउट्स रहते हैं, उनके लाइव सेशंस होंगे। बाकी सारे प्लस फीचर्स तो हैं ही, प्लस ये सब बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो देर मत करिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, और ये 6 से 8 क्लास के बच्चों के ड्यूरेशन के हिसाब से
प्राइजेस हैं, चार्जेस हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। यदि आप जितने ज़्यादा टाइम का लेते हो आपको उतना ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा ये सब्सक्रिप्शन। इसके साथ साथ आप रेफरल कोड यदि DSL क्लासेस डाल देते हो इसमें लेते हुए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, देन आपको 10% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये नाइन्थ और नाइन्थ से लेकर 12th क्लास तक के लिए हैं, चार्जेस एंड ड्यूरेशन के साथ। तो मेरा सजेशन है आपको कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए और बेनिफिट उठाइए अपनी स्टडीज का। और हर हफ्ते जो आपको मैंने अभी बताया स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस सेंट के बारे में, उसे ज्वाइन करिए। उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एनरोल करिए एंड रिवीजन बैचेस ज्वाइन करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और कल आपको मिलते हैं हम PH के न्यूमेरिकल के साथ। प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की हम बहुत सारे, एंड देखोगे आपकी PH की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती हैं। सो टिल देन बाय बाय एवरीवन, और अच्छे से